पीएसए सर, मेरा पीएसए बढ़ गया है सर, अब मुझे क्या करना है, मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ। तो मैं उनसे पूछता हूँ पेशेंट से, क्या आप जानते हैं पीएसए क्या होता है? नहीं सर, हमको नहीं पता पीएसए क्या होता है, लेकिन ये बढ़ गया है और लोग बोल रहे हैं इसका बढ़ना खतरनाक है। तो आज हम डिस्कस करते हैं पीएसए के बारे में, ये क्या होता है, किन कंडीशंस में ये बढ़ता है, और अगर आपके अंदर ये पीएसए बढ़ रहा है तो उसका क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पीएसए की फुल फॉर्म होती है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। इससे आप जान गए होंगे कि पीएसए कहीं ना कहीं प्रोस्टेट से रिलेटेड है। तो जी, ये प्रोस्टेट से रिलेटेड है। ये प्रोस्टेट के सेल्स में पाया जाता है। प्रोस्टेट के सेल्स इसको हमारे शरीर में छोड़ते रहते हैं, और इसमें अगर कोई कमी पेशी या कुछ गड़बड़ आती है तो इसकी वैल्यूज बढ़ती हैं। तो ये होता है पीएसए। इसी से ही हम जानते हैं प्रोस्टेट की विभिन्न बीमारियों के बारे में। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि प्रोस्टेट नॉर्मली किन चीजों पर डिपेंड करता है और कब इसका बढ़ना खतरनाक माना जाता है। पीएसए की नॉर्मल वैल्यू 0 से लेके 4 नैनोग्राम पर डेसीलीटर तक होती है, बट वो लैब टू लैब वेरी कर सकती है। अब पीएसए जो है वो फिजियोलॉजिकली या मतलब नॉर्मल किन चीजों पर डिपेंड करता है, ये एक तो एज के साथ थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहता है, दूसरा ये आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड के साइज के हिसाब से भी बढ़ता रहता है। अगर किसी की ग्लैंड का साइज 20 ग्राम है तो हो सकता है उनका पीएसए कम हो, और किन्हीं का अगर 100 ग्राम है या 200, कई लोगों में 200 ग्राम भी होती है, तो उसमें पीएसए ज्यादा हो सकता है। तीसरा, हम किस रेस से बिलोंग करते हैं, क्या हम निग्रो हैं या फिर हम इंडियन हैं, हम एशियन हैं या अमेरिकन हैं, उस चीज पे भी ये डिपेंड करता है। तो ये तो है 3-4 फैक्टर जिन पे पीएसए नॉर्मली डिपेंड करता है। अब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, वो बोलते हैं जी पीएसए बढ़ गया तो मुझे तो कैंसर ही हो गया है, अब मुझे कोई नहीं बचा सकता है। ऐसा नहीं है जी, पीएसए बढ़ने का कारण अलग अलग हो सकते हैं, इनके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे कॉमन कारण जो पीएसए बढ़ने का है वो है इन्फेक्शन, प्रोस्टेटाइटिस। बहुत सारे पेशेंट्स जिनमें प्रोस्टेट ग्लैंड का इन्फेक्शन होता है, उन पेशेंट्स में भी ये पीएसए बढ़ जाता है, क्योंकि मैंने बताया ये पीएसए उन सेल्स में रहता है, प्रोस्टेट ग्लैंड के सेल्स में रहता है। इन्फेक्शन की वजह से, इन्फ्लामेशन सूजन की वजह से ये पीएसए शरीर में ज्यादा निकलना शुरू हो जाता है। तो इन्फेक्शन की वजह से पीएसए बढ़ सकता है। प्रोस्टेट में अगर पस पड़ गई है या उसमें छोटे छोटे पस पॉकेट्स बन गए हैं, उस कंडीशन में भी पीएसए बढ़ सकता है। अगर आपने कोई प्रोस्टेट के आसपास कोई सर्जरी हुई है, उसमें भी पीएसए बढ़ सकता है। अगर पेशाब की नलकी डाली गई है या कोई प्रोस्टेट बायोप्सी ली गई है, तब भी पीएसए बढ़ सकता है। जब भी प्रोस्टेट को चोट लगेगी तब पीएसए बढ़ सकता है। और अंत में बात आती है कैंसर की, तो हाँ, अगर पीएसए बढ़ा हुआ है तब वो कैंसर भी हो सकता है। हमें हर पीएसए की वैल्यू को जो बढ़ रही है उसे कैंसर लेवल नहीं करना चाहिए, और ना ही डरना चाहिए कि पीएसए बढ़ गया तो कैंसर ही होगा। अब बात करते हैं कि अगर आपका पीएसए बढ़ गया है नॉर्मल रेंज जो 0 से 4 की, अगर उससे ऊपर आ गया तो हमें क्या करना है? सबसे पहले तो डरना नहीं है, ये सबसे पहली बात है, क्योंकि हर चीज का, हर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। प्रोस्टेट के अंदर ट्रीटमेंट बहुत आगे तक अवेलेबल है। हमें सबसे पहले करेक्ट डायग्नोसिस बनाना है कि आपका पीएसए बढ़ने का क्या कारण है। सबसे पहले अगर आपका पीएसए बढ़ गया तो हम एक वैल्यू पे कभी भी डिसाइड नहीं करते हैं कि हमें क्या करना है, या हम उसको लेबल नहीं करते हैं। हम 2-3 वैल्यूज करवा सकते हैं पीएसए की एक अंतराल पे, ये जानने के लिए कि इसका क्या ट्रेंड चल रहा है। हम ये चेक करने के लिए इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं कि क्या आपको यूरिन इन्फेक्शन तो नहीं है साथ में। अगर यूरिन इन्फेक्शन है तो हम उसको पहले ट्रीट करेंगे एंटीबायोटिक से, ऐसी एंटीबायोटिक जो कि प्रोस्टेट की इन्फेक्शन को, प्रोस्टेटाइटिस को भी ठीक करेगी। अगर उनसे आपका पीएसए डाउन आ जाता है तो कुछ करना ही नहीं है। और ये सब करने के बावजूद भी अगर आपका पीएसए बढ़ा हुआ आता है तो हम फ्री और टोटल पीएसए करा सकते हैं। इनिशियल हम अंदाजा ले सकते हैं कि हम किस बीमारी से डील कर रहे हैं। फिर अगर आपका पीएसए उसके बावजूद भी बढ़ा हुआ आता है तो हम एक MP MRI, मल्टी पैरामेट्रिक प्रोस्टेट MRI करवा सकते हैं, जिससे हमको ये पता चल जाएगा कि कितने % चांस है कि आपको प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। अगर उसके अंदर भी काफी अच्छे चांसेस आते हैं, पायराइड्स रीडिंग आपकी बढ़ी हुई आती है, तब हम फिर एक बायोप्सी के लिए जा सकते हैं, और उससे हम कंफर्म कर सकते हैं कि क्या आपकी जो ये बीमारी है वो प्रोस्टेट कैंसर है या क्या है। तो ये पूरा प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं। ये नहीं कि सिर्फ पीएसए बढ़ गया तो मुझे कैंसर हो गया, नहीं, ये गलत धारणा है, इसे प्लीज फॉलो ना करें। ऐसी और वीडियोस के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हिट द बेल आइकन। नीचे लिखे हुए नंबरों पे आप कोई भी अगर आपका सवाल है आप हमें पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। धन्यवाद।